चेहरे पे काले निशान, जिद्दी मार्क्स, पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स आपकी बढ़ गई है, फ्रेकल्स, मिलाजमा जैसी आपको पिगमेंटेशन हो गई है, एक्ने के मार्क्स जिसको हम हाइपर पिगमेंटेशन कहते हैं वो हो गई हो, या आपकी स्किन पूरी तरह से ही काली पड़ गई हो, डार्क दिखती हो, सन के वजह से हुई होगी ये सारी प्रॉब्लम्स। नेचुरल है उसके बाद नहीं, सन से आपको ये सारी प्रॉब्लम हुई है। मतलब पहले आपका रंग कुछ और था, धीरे धीरे आपने देखा है कि आपका रंग जो है वो जल गया है, काला पड़ गया, डार्क हो गया, टैन हो गया है, या फिर आपके चेहरे पे किसी भी तरह के डार्क स्पॉट्स है, पिगमेंटेशन है, काले धब्बे, निशान, मार्क्स है। ये सारी चीज़ों को दूर करने के लिए आज मैं आपके साथ एक स्पेशल ऐसी क्रीम शेयर कर रही हूँ। गाइज, ये इतनी पावरफुल क्रीम है, ये वाइटनिंग क्रीम है जिसको आपको रात में सोने से पहले अप्लाई करनी है अपने पूरे चेहरे पे, अपने डार्क स्पॉट्स पे, पिगमेंटेशन पे, अपनी स्किन में, पूरे हर जगह पे जहाँ पे आपकी स्किन डार्क भी हो गई है वहाँ पे पूरे अच्छे से आपको अप्लाई करके इसको रात भर छोड़ना है। ये धीरे धीरे आपके सारे जो पिगमेंटेशन है उसको दूर करती है, डार्क स्पॉट्स को कम्प्लीटली आपके चेहरे से हटाती है, एक्ने के मार्क्स हो, पिगमेंटेशन हो, हाइपर पिगमेंटेशन हो, या आपकी स्किन काली पड़ गई हो, टैन हो गई हो, डार्क पड़ गई हो, ये सब कुछ हल्का करते रहती है क्योंकि ये वाइटनिंग क्रीम है। धीरे धीरे इसका रिजल्ट दिखता है, डे वन में आपको जितना दिखेगा उससे ज़्यादा डे टू में, डे थ्री में, डे फोर में, एटलीस्ट मैं आपको कहूँगी कि 7 डेज तक इसको ट्राई करके इसका रिजल्ट देखें, आप चौंक जाओगे इसके रिजल्ट को देखे गाइज। और इसको आप चाहो तो कंटिन्यू भी कर सकते हो इसके बेस्ट रिजल्ट को बरकरार रखने के लिए अपनी स्किन में। ये क्रीम कैसे बनती है इसको पूरा ध्यान से देखें और बिल्कुल जैसे मैं बता रही हूँ वैसे बनाएं, बहुत ही इफेक्टिव है। ये कोरियंस और जापनीज दोनों जगह अजमाई हुई क्रीम है जो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेना है थोड़े से राइस। मैं यहाँ पे 5 चम्मच जितने राइस ले रही हूँ, उसको अच्छे से आपको वॉश करना है, ठीक है। और फिर आपको इसमें डालना है थोड़ा सा रॉ मिल्क, कच्चा दूध, इसमें आपको पानी वगैरह नहीं डालना है, इसमें आपको दूध डालना है, थोड़ा सा ही डालना है, 1 कप जितना दूध। इसको रात भर के लिए ऐसे ही छोड़ना है, राइस को अच्छे से मिल्क को एब्जॉर्ब करने दीजिए। राइस की अपनी प्रॉपर्टीज है, मिल्क की अपनी प्रॉपर्टीज है गाइस, ठीक है। ये दोनों जब सुबह उठोगे आप इसको क्या करें, सबसे पहले ये दोनों का जो मिक्सर है इसको आप मिक्सर जार में डालें, उसको एकदम बारीक फाइन पीस लीजिए। पीसने के बाद आप इसको छाने अच्छी तरह से। ये जो चीज़ आपको मिली है ना, ये स्किन वाइटनिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त है। इसको आप डेली बेसिस पे अपने स्किन में अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बताऊंगी इसकी क्रीम आप कैसे बना के अप्लाई करें ताकि आपको आसानी भी हो और उससे ज़्यादा आपको रिजल्ट मिले। ये स्किन वाइटनिंग फॉर्मूला है गाइस। राइस में अपना स्किन वाइटनिंग प्रॉपर्टी है और मिल्क में लैक्टिक एसिड की वजह से अपनी स्किन लाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ है। इसमें आपको क्या करना है, ये जो चीज़ है ना इसको आप एक साथ बना के रख सकते हो। इसका क्रीम बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करें, ये राइस मिल्क जो हमने बनाया वो है राइस मिल्क। ये राइस मिल्क आपको लेना है एक बोल में, थोड़ा सा लीजिए। अब इसमें आपको डालना है 1 से 2 चम्मच एलोवेरा जेल। अगर आपके पास टर्मरिक एसेंशियल ऑयल है तो वो डालें, नहीं है तो हल्दी पाउडर भी आप डाल सकते हो। मैं यहाँ पे टर्मरिक एसेंशियल ऑयल डाल रही हूँ। हल्दी पाउडर आप डालोगे तो तकरीबन 1/2 टीस्पून जितनी आप हल्दी पाउडर डालेंगे। मैं यहाँ पे एसेंशियल ऑयल डाल रही हूँ 10 से 12 ड्रॉप्स, ठीक है। इसके बाद आपको इसमें डालना है 1 विटामिन ई की कैप्सूल और डालना है थोड़ा सा बादाम का तेल, 1 चम्मच जितना आपको इसमें बादाम का तेल डालना है। रोगन बादाम शीरिंग जो होता है वो आपको डालना है। ये प्योर स्वीट आमंड ऑयल है, आपके पिगमेंटेशन को लाइटन करती है। नहीं है आपके पास तो आप इसमें 2 विटामिन ई की कैप्सूल डालेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप इसमें डालें। अब इन सब को, ये राइस मिल्क को, ये सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ में अच्छी तरीके से मिक्स करें और इसको एक कंटेनर में स्टोर करें। इसको आप फ्रिज में स्टोर करके रखें, रात में सोने से पहले इसको अच्छे से एक बार मिक्स करके अपने स्किन में अच्छी तरीके से इसको लेके अप्लाई करें, जहाँ पे आपके पिगमेंटेशन है, जहाँ पे आपकी स्किन टैन है, जहाँ पे आपकी स्किन डार्क है, जहाँ पे आपकी स्किन डल है, बस अच्छी तरीके से उसको लेके रब करें अच्छे से अपने स्किन में ताकि एब्जॉर्ब हो जाए। बहुत अच्छी तरीके से आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगी ये, ठीक है। अगर आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा एक्ने प्रोन है तो आप पहले इसको पैच टेस्ट करके देखें, थोड़े से एरिया में अप्लाई करके देखें आपकी स्किन कैसे रिएक्ट करती है। बाकी ऑयली नॉर्मल ड्राई स्किन वालों के लिए एकदम परफेक्ट है। अच्छे से जब आप इसको रब करोगे कैसे, धीरे धीरे जैसे आपकी स्किन में एब्जॉर्ब होते रहेगी आपकी स्किन, आप डे बाय डे देखोगे आपकी स्किन, मॉर्निंग में उठ के आप देखोगे आपकी स्किन कितनी फ्रेश, कितनी रिजुवेनेटेड, कितनी ब्राइट दिख रही है। ये इसका पहले दिन का रिजल्ट है। जब आप डे बाय डे इसको लगाते जाओगे आपकी स्किन वाइटन होते जाएगी, आपकी स्किन ब्राइटन होते जाएगी, आपके जो डार्क स्पॉट्स है वो हल्के होने लगेंगे, एक्ने के मार्क्स है अगर आपको वो हल्के होने लगेंगे, पिगमेंटेशन आपको किसी भी तरह की हो जैसे फ्रेकल्स या मिलाजमा भी हो वो धीरे धीरे जाएंगे लेकिन वो भी लाइटन होने लगेंगे, ओवरऑल आपकी स्किन टोन इवन होने लगेगी,
आपका रंग साफ होने लगेगा, आपकी स्किन में ब्राइटनेस जो है वो बढ़ते जाएगी डे बाय डे, स्किन में आपकी ग्लो भी बढ़ता जाएगा। ये इसका दूसरा साइड इफेक्ट है। मेन ये पिगमेंटेशन के लिए, टैनिंग के लिए, डार्कनेस के लिए है, लेकिन उसके साथ साथ आपकी स्किन जो ग्लो करेगी, जो रेडियंस, जो चमक देगी, वो अलग ही आपको इसका मिलेगा। बस अच्छी तरीके से इसको आपको अप्लाई करना है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार अच्छे से अप्लाई करते रहे। विद इन फ्यू डेज आप देखोगे आपकी स्किन जो है वो लाइट वाइट दिख रही है, आपकी स्किन के सारे पिगमेंटेशन जो है वो एकदम लाइटन दिख रहे हैं, आपकी स्किन पहले से ज़्यादा निखरी हुई, और आपकी स्किन में ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा आपकी स्किन में। एक छोटा सा मैं चेंज भी नहीं बोलूँ, ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिखेगा आपकी स्किन में। अगर आप इस सारी प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, एक बार ये राइस मिल्क वाली क्रीम को ज़रूर ट्राई करें। ये कोरियंस और जापानीज का सीक्रेट और ट्राई किया हुआ फॉर्मूला है जो वो अपने स्किन के लिए यूज़ करते हैं ग्लास स्किन अचीव करने के लिए। तो ये सिंपल सा जो सीक्रेट फॉर्मूला है, इसको एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें, अपनी स्किन केयर रूटीन में इसको इंक्लूड करें, इसके आपको बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया और इसको आप ज़रूर ट्राई करोगे। पसंद आया वीडियो तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलें, और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे बहुत सारे इफेक्टिव रेमेडीज़ को जानने के लिए, इफेक्टिव वीडियोज़ को देखने के लिए। और हाँ, मेरे दूसरे चैनल राबिया के किचन को भी सब्सक्राइब ज़रूर करना, बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज मैं उस पर शेयर कर रही हूँ। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही गाइस, मैं आपको मिलूंगी मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, आई लव यू, बाय।